वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं परसेंटेज से अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने यहां कुछ वैल्यू रखा है, इसका परसेंटेज हम लोग देखते हैं कितने परसेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग बाई हार्ट याद होना चाहिए। इससे याद करने से एग्ज़ाम में हमारा टाइम काफ़ी टाइम सेव होगा। आइए देखते हैं, पहला वैल्यू जो मैंने रखा है वो 1/2। 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है? ये आपका होता है 50% के बराबर। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33:1/3%। 1/4 कितना होता है? 1/4 आपका 25%। 1/5 ऐसे ही आपका 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 आपका 14:2/7%। 1/8 12:1/2%। 1/9 11:1/9%। 1/10 10%। 1/11 की वैल्यू होती है 9:1/11%। 1/12 आपका होता है 8:1/3%। 8:1/3%। 1/13 का वैल्यू होता है 7:9/13%। 1/14 आपका होता है 7:1/7%। 1/15 होता है 6:2/3%। 1/16 जो होता है आपका 6:1/4%। 1/17 5:15/17%। 1/18 5:5/9%। 1/19 आपका होता है ये 5:5/19%। 1/20 आपका होता है 5%। 1/24 4:1/6%। 1/25 4%। 1/30 आपका होता है 3:1/3%। 1/40 2:1/2%। 1/50 2%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन आज लिए हैं, एक एक करके 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है ये, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है तो इसीलिए हम कुछ आसान क्वेश्चन रख के चलते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x? क्या बोला है सॉल्यूशन देखते हैं। बोला है कि x जो है इस मतलब इक्वल हो गया 80% ऑफ y, मतलब x जो है 4/5 इंटू वाई है। तो यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। ठीक, अब क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x? बहुत सारे स्टूडेंट को इस लाइन में काफ़ी दिक्कत आती है, तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। तो हम लोग कुछ भी लेट कर लेते हैं, z परसेंट ऑफ y जो होगा वो x के बराबर होगा। तो z परसेंट मतलब z अपॉन 100 इंटू ऑफ मतलब इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है, और x की वैल्यू 4 है। ऐसे हम लोग कट कर देते हैं तो z की वैल्यू आ गई आपकी 80%। ठीक, ये हो गया 80% ऑफ y जो होगा x के बराबर होगा। चेक कर लीजिए आप यहाँ से भी 80% अगर चेक करना है तो 80% की वैल्यू हो गई 4/5, y की वैल्यू 5, ये आपकी 4 के बराबर है। ठीक, 80%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई ये नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट परसेंट ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन? एक स्टूडेंट था, उसको 5
फाइव बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने भूल से 3/5 से कर दिया, तो कितना एरर परसेंटेज में आई ये चेक करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कितना दिया, ये पहले 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करना था इनिशियली, उसने कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आया 5/3 का 15, यहाँ आप इसको इंटू कर दीजिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना था 15 से इनिशियली, 15 से मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, इसको कट करेंगे हम लोग आएगा 25। इसमें भी कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5/3 टाइम मतलब 9 आना चाहिए था, 25 आ गया 9, चेंज आया कितने का, 16 का चेंज आया। किस पे चेंज आया, 25 पे चेंज आया था, क्योंकि 25 इनिशियल वैल्यू होना चाहिए था, तो 16 का चेंज 25 पे, तो 100 पे कितना, क्योंकि परसेंटेज पे चाहिए इसलिए हम लोग 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 4 टाइम्स मतलब 64% का इसका एरर आएगा। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में भी आ चुका है सीजीएल के। इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस बोथ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मतलब एक स्कूल में 40% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% ऐसे लड़के हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें निकालना है कि कितने परसेंट लड़के आपका खेलते हैं, मतलब कोई एक गेम खेलता है, तो इसमें क्या करना है, स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, ये मेन वैल्यू है, नाइदर प्ले नॉर फुटबॉल। अब इसमें दिया है कि ना फुटबॉल वाले ना क्रिकेट वाले, और यहाँ दिया है कि खेलने वाले, इसमें नहीं खेलने वाले, इसमें खेलने वाले। तो पहले इसमें हम लोग लिख लेते हैं फुटबॉल वाले, फुटबॉल वाले 40% है जो खेलते हैं, तो मतलब 60% नहीं खेलने वाले होंगे। ऐसे ही क्रिकेट में 50% खेलने वाले हैं, तो 50% नहीं भी खेलने वाले होंगे। और इसमें दिया है नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, मतलब नहीं खेलने वाले कितने हैं, 18%। ठीक, तो यहाँ पर हम 18% इसको राइट करेंगे, क्योंकि ये सारा, ये जितने भी सारे हैं ये नहीं खेलने वाले में से। ठीक, अब ये कॉम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया 60%, ये देखिए ये टोटल फुटबॉल का है, ये हम लोग फुटबॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्रिकेट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है बीच वाला, ये दोनों नहीं खेलने वाले हैं, मतलब ये आपका 18% के बराबर नहीं खेलने वाले, ये पूरा 60 है। ठीक, 60 में से 18 चला जाएगा इतना पोर्शन, तो कितना बचेगा, 18, मतलब हो गया 42% फुटबॉल नहीं खेलने वाले हैं। क्रिकेट ऐसे ही, क्रिकेट 50 नहीं खेलने वाले हैं, 50 में से हम लोग 18 माइनस कर देंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो हो गया 32, ये सारे हो गए नहीं खेलने वाले। अब नहीं खेलने वाले का परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं खेलने वाले आपके 42 हैं प्लस 32 है प्लस 18 है, इसको हम लोग ऐड करते हैं 50 और 42, 92% स्टूडेंट जो है ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, दोनों में से कोई भी गेम भी नहीं खेलते, तो खेलने वाले कितने हो गए, 100 माइनस 92% हम लोग कर देते हैं, तो 8% स्टूडेंट जो होते हैं या तो फुटबॉल खेलने वाले हैं या क्रिकेट खेलने वाले, जी आपका आंसर है नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 19:11:9% ऑफ नंबर एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर सॉल्यूशन। देखते हैं, मैंने बोला था कि परसेंटेज की वैल्यू याद करने के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। 11:1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9, देखिए 9 है इसीलिए 1/9, 11 रहता है नीचे डिनोमिनेटर पर तो 1/11 होता है। तो क्वेश्चन, ये जो हमारा नीचे वाला वैल्यू होता है ये होता है ओरिजिनल वैल्यू के बराबर। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू, और बाकी जो
न्यूमरेटर होता है वो आपका चेंज शो करता है, ठीक। अब इसमें बोला है कि अगर उन किसी नंबर का इफ 19% 11/1/9% ऑफ नंबर एडेड बिट्स इट्स, मतलब अगर 19 इसको यहाँ भेजते हैं तो ये हो गए 1.9%, मतलब 1/ इसका मतलब 9 का 11:1/9% जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक। तो ये बोला इफ 11:1/9% ऑफ अ नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब इसमें ऐड कर दिया जा रहा है तो ये ऊपर वाला वैल्यू 10 हो ही जाएगा, देन रिजल्ट बिकम 900, ठीक। मतलब रिजल्ट कितना हो गया 900 के बराबर हो गया, फाइंड द नंबर, ये जो 10 है वो 900 के बराबर हो गया, तो 10 यूनिट 900 के बराबर तो 1 यूनिट 90 के बराबर हो गया, ठीक। 1 यूनिट 90 के बराबर तो 9 यूनिट 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 801, ठीक। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन था भाई ये 11:1/9 दिया, 11:1/9 की वैल्यू होती है 1/9, ये 1/9 आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। इसमें बोला है कि ओरिजिनल नंबर का 11:1% जो होगा उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 900 के बराबर होगा, तो ओरिजिनल नंबर 11:1/9 का 1 आएगा यहाँ इसको भेजेंगे तो, ठीक। 1 अगर 9 में ऐड करते हैं तो 10, ये 10 की वैल्यू 900 दिया, ठीक। तो 1 यूनिट 90 के बराबर तो 9 यूनिट आपका 810 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ डे, मतलब 1 hour 45 minutes दिन का कितना परसेंट होता है, तो 1 hour दिया, 1 hour 45 की 45/60 लिख लीजिए, ठीक। इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आवर से आवर हम लोग का जब कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट एक में ही, एक की ही यूनिट होनी चाहिए। इसको काट देंगे 15 से 15 3 या 15 4 जाए, तो 1+3/4 तो ये आपका 7/4 आएगा, 7/4 तो सर एक जी आपका 1/4 hour जो हो गया 7/4 hour के बराबर हो गया, 7/4 hour/25 क्योंकि ये 24 hour एक दिन में होता है, जिस एक दिन के परसेंटेज पूछा है कि 7/4 hour 24 घंटा कितने परसेंट होगा, ठीक। तो हम लोग पर इनटू से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/4 इस यहाँ आ जाएगा, 7/4 इंटू 24 इंटू 100, ठीक। कट करते हैं 25 टाइम्स, 7 इंटू 25 हम लोग करते हैं तो 2500 और 175/24, इसको हम लोग डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं तो 24/175 कितने टाइम्स आएगा, आई थिंक ये 7 टाइम, 7 टाइम में आपका 7/4 = 28, कैरी 2 7/2 = 14 168, कितना बचा 7, पॉइंट लगा 0 उतरा कुछ 2 times 48, कितना बचा 2 और ये 2, ठीक। फिर ये 0 उतार लेंगे हम लोग 9 times 36 और 9 2 18 और 2 8 4 ये 9 कितना 2.7.9, ठीक। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो हमारे कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको बताने के लिए दोबारा कोशिश करूँगा। थैंक यू।